क्या है मामला, क्या सफलता मिली है? आज सुबह के समय मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम के प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी एवं कोतवाली पुलिस को जो है दो लड़कों को उन्होंने अरेस्ट किया है। एक का नाम गौरव परमार, एक का नाम अर्जुन सिंह है। इन लोगों के पास से दो पिट्ठू बैग, एक ट्रॉली बैग और 10 पैकेटों में करीब 30 किलो गांजा जो है उसकी बरामदगी हुई है, जिसकी अमूमन कीमत जो है करीब 5 लाख के करीब बताई जा रही है। और इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी हमें मिली है वो ये उड़ीसा से इसको लाते थे यहाँ पे और यहाँ पर इसको बेचने का काम करते थे। इनके गैंग के अन्य लोगों के लिए इनसे पूछताछ की जा रही है, मुकदमा इसमें पंजीकृत हो गया है और विवेचना के क्रम में जो भी अन्य बातें प्रकाश में आएंगी उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? ये लोग मूलतः उड़ीसा से जो है गांजा खरीदते थे, वहाँ से लाते थे और उसको जनपद ललितपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे। बाकी इन लोगों के साथ और कौन लोग थे, कौन लोग इनको बेचते थे, यहाँ पर इनका क्या नेटवर्क था, उसकी जो है जानकारी इनसे करी जा रही है। विवेचना क्रम में सब बातें खुल। इसके पहले भी पकड़े गए हैं क्या कभी? इनका अभी फिलहाल कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों को नहीं मिला है। बाकी इसकी खोजबीन जारी है, पूछताछ के क्रम में अगर कोई इस तरह की आपराधिक इतिहास सामने आता है तो उससे अवगत करवाएंगे। सर इसकी कीमत कितनी होगी? सीधो करो यार, जब ही तो मन सही कह रहे हैं, बाद में आते क्या रुक जाओ, कैंसिल कर भाई साहब, डील से कर लो उसको, कैंसिल करते हैं ऐसे करते हैं। तो मांग हो या अभी आज सुबह के समय मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम के प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी एवं कोतवाली पुलिस को जो है दो लड़कों को उन्होंने अरेस्ट किया है। एक का नाम गौरव परमार, एक का नाम अर्जुन सिंह है। इन लोगों के पास से दो पिट्ठू बैग, एक ट्रॉली बैग और 10 पैकेटों में करीब 30 किलो गांजा जो है उसकी बरामदगी हुई है, जिसकी अमूमन कीमत जो है करीब 5 लाख के करीब बताई जा रही है। और इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी हमें मिली है वो ये उड़ीसा से इसको लाते थे यहाँ पे और यहाँ पर इसको बेचने का काम करते थे। इनके गैंग के अन्य लोगों के लिए इनसे पूछताछ की जा रही है, मुकदमा इसमें पंजीकृत हो गया है और विवेचना के क्रम में जो भी अन्य बातें प्रकाश में आएंगी उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? ये लोग मूलतः उड़ीसा से जो है गांजा खरीदते थे, वहाँ से लाते थे और उसको जनपद ललितपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे। बाकी इन लोगों के साथ और कौन लोग थे, कौन लोग इनको बेचते थे, यहाँ पर इनका क्या नेटवर्क था, उसकी जो है जानकारी इनसे करी जा रही है। विवेचना क्रम में सब बातें खुल। इसके पहले भी पकड़े गए हैं क्या कभी? इनका अभी फिलहाल कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों को नहीं मिला है। बाकी इसकी खोजबीन जारी है, पूछताछ के क्रम में अगर कोई इस तरह की आपराधिक इतिहास सामने आता है तो उससे अवगत करवाएंगे। सर इसकी कीमत कितनी होगी?